हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, हमने देखा था सेंटर ऑफ मास होता क्या है। किसी भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का जहां पर मासेस अलग अलग पॉइंट पे रखे हों उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं, या फिर कोई यूनिफॉर्म रॉड हो। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देखा था बट वहां पर रॉड यूनिफॉर्म थी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म बॉडी, और एग्जाम्पल लेंगे फिर से रॉड का। एक चीज अपने दिमाग में रखना कि जो भी यूनिफॉर्म बॉडीज होती हैं, जैसे कि रॉड हो गया या फिर स्फेयर हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, इन सबका सेंटर ऑफ मास हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी कहने का मतलब क्या है उसको समझते हैं। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म बॉडी? सो जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि अगर कोई रॉड है, जैसे ये हमारा रॉड है, ठीक है, कोई रॉड है तो ये यूनिफॉर्म है अगर हर जगह पे मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो। कहने का मतलब अगर आप एक सेंटीमीटर यहां पर कट करो और एक सेंटीमीटर यहां पर कट करो और दोनों का मास, अगर इसका मास 2 ग्राम हो तो इसका भी मास 2 ग्राम है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मास हमारा यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब आज देखेंगे कैसे निकालेंगे नॉन यूनिफॉर्म का। तो उसके पहले कुछ बेसिक चीजें हैं उसको समझ लेते हैं, जैसे कि लीनियर मास डेंसिटी। हो सकता है आपको पता हो, अगर पता है तो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देना, अगर नहीं पता तो इसको जरूर देखना। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? लीनियर मास डेंसिटी सिंपल शब्दों में समझते हैं, जैसे एक रॉड है हमारा 8 मीटर का और इसका जो मास है वो है 40 kg। 8 मीटर लंबा एक रॉड है जिसका मास है 40 kg और ये रॉड सपोज दैट यूनिफॉर्म है, तो हम लोग बोलेंगे कि 8 मीटर की लेंथ में कितना मास है? 40 किलोग्राम। सो अगर किसी पर्सन को 1 मीटर उसमें से काट के देंगे तो उसको कितना मास मिलेगा? 40 by 8 यानी कि 5 किलोग्राम। सो ये जो 5 किलोग्राम पर मीटर है यही होता है हमारा लैम्डा, यानी कि किसी गिवन रॉड में 1 मीटर में कितना मास है उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। सो एक फंडामेंटल क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगर एक रॉड है जिसका लैम्डा दिया है 3 किलोग्राम पर मीटर और मैंने बोल दिया कि इसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर, तो इसका मास कितना होगा? हम बोलेंगे लैम्डा दिया है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 किलोग्राम पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में 3 किलोग्राम, तो 4 मीटर में कितना हो जाएगा? 3 × 4, यानी कि मास क्या होता है? लैम्डा इंटू एल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसका इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं अपने टॉपिक पे कि अगर कोई रॉड या फिर कोई बॉडी है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड बनाने की जरूरत नहीं है, रॉड 1-डाइमेंशनल होता है। यहां पर रखा है एक रॉड जिसकी लेंथ है सपोज दैट 5 मीटर, हमने मान लिया इस रॉड की लेंथ कितनी है 5 मीटर। अब इसका मास नहीं दिया है, क्या दिया गया है? लैम्डा दे दिया गया है कि इसका लैम्डा है 2x + 5 kg/m। ध्यान से देखना, अगर रॉड यूनिफॉर्म होता है और लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है तो उसका मास कितना होता है? लैम्डा इंटू एल, क्योंकि लैम्डा है 1 मीटर में कितना मास है और एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास निकल आएगा। बट इस केस में है क्या, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, जैसे मैंने बोल दिया इस रॉड की लेंथ है 10 मीटर, इस रॉड की लेंथ है 10 मीटर, एक एंड है 0 पे ओरिजिन पे तो दूसरा एंड होगा 10 पे। अब एक चीज देखना, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 0 = 5, यानी कि 5 kg/m। एट एक्स इक्वल टू 4 ले लो, सो लैम्डा हमारा हो जाएगा 4 × 8 + 5, यानी कि 13 kg/m। ऐसे अगर हम लोग 10 पे लेंगे तो 10 × 20 + 5, यानी कि 25 kg/m।
तो अगर सिंपल भाषा में बोले तो रॉड में जैसे जैसे आप इधर जाते जा रहे हो, रॉड हमारी हेवी होती जा रही, मास का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर आप इधर से एक सेंटीमीटर कट करोगे और इधर से एक सेंटीमीटर कट करो, तो कौन सा पार्ट भारी होगा? जिसका लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा है। सो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास को कैसे निकाला जाए? अब ध्यान देते हैं अपने पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट पे। जब हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देखा था, हमने देखा था कि सबसे ऊपर क्या करते हैं, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अप टू जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने पार्टिकल्स होते हैं सबके साथ करते हैं, अपॉन में लिखते हैं टोटल मास। अब यहां पर देखते हैं, सॉरी लैम्डा मैंने लिखा था, लैम्डा इक्वल टू 2x प्लस 5 किलोग्राम पर मीटर। यहां पर रॉड है, इस रॉड को कैसे इमेजिन करना है, एक चक्कू लेंगे और इस रॉड को इनफाइनाइट पीसेस में कट कर देंगे। इस रॉड को देखना ऐसे है जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे सटा सटा के रखे हों, ढेर सारे, ठीक है। सो सारे के सारे पॉइंट्स मिल गए। अब हमें हर पॉइंट के साथ m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस m4r4 ये चीज करना है। अब ये चीज हम लोग थियोरेटिकली तो डायरेक्टली कर नहीं सकते, हमें करना क्या पड़ेगा, हमें 0 से 10 इसकी लेंथ है, बीच में कोई रैंडम छोटा सा एलिमेंट लेके एक पॉइंट को इमेजिन करके उसका मास और उसका सेपरेशन यानी m इंटू आर वो करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? 0 से 10 तक, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया इंटीग्रेशन क्या करता है। इंटीग्रेशन जो भी हमने किया है अंदर, हम कुछ करते हैं कोई ऑपरेशन, फिर इंटीग्रेशन लगा के लिमिट लगाते हैं ए टू बी। सो जो भी अंदर किया गया है वही काम वो दोनों लिमिट के बीच में करके जोड़ देता है। सो अगर हम लोग यहां पर इनफाइनाइट स्लाइसेस हमने किए, फिर एक्स डिस्टेंस पे गए और एक्स डिस्टेंस पे ये जो छोटा सा स्लाइस है हमारा, छोटा सा पार्टिकल है जिसकी लेंथ है डी एक्स, इसको देखो, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका मास कितना होगा सबसे पहले निकाल लें। सो इस एलिमेंट पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है, हमने देखा था ना कि अगर कोई रॉड है जिसका लैम्डा, जिसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है और लेंथ अगर एल है तो मास कितना होता है, मास इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। अब इस रॉड के लिए ये जो छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा पार्टिकल, इसके लिए लैम्डा कितना होगा, 2x प्लस 5, तो इसका मास कितना हो जाएगा, dm, dm क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास बहुत छोटा होगा क्योंकि हमने बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है। सो dm इक्वल टू लैम्डा इनटू dx, ये निकल आया है इस पार्टिकल का मास। चलो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2x प्लस 5 इनटू dx, ये लैम्डा निकल आया। अभी क्या करना है, हमें जब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पुट करते हैं तो मास इनटू उसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन कहाँ है, कितने सेपरेशन पे है, एक्स पे है। सो हम लोग वही लिखेंगे डी एम इनटू एक्स, इसके मास को इसके पोजीशन से मल्टीप्लाई किए और अब यही काम हमें यहां से लेके यहां तक करना है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे 0 से लेके 10 तक। अगर यही काम 0 से लेकर 10 तक हर एलिमेंट के साथ हो जाए तो ऊपर वाला पोर्शन तो मिल गया, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अप टू mnrn। अपॉन में क्या लिखा जाता है, अपॉन में लिखते हैं टोटल मास। सो इस पार्टिकल का मास कितना है, इस पार्टिकल का मास है 2x प्लस 5। अगर ऐसे ही हर पार्टिकल के मास को ऐड कर लिया जाए तो हमें टोटल मास मिल जाएगा। So, क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे 2x प्लस 5 dx, ये इस छोटे से पार्टिकल का मास था, इसको हमने 0 से लेकर 10 तक इंटीग्रेट कर दिया। सो अब ये मिल गया हमें सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। देखो पहली चीज, इसके आगे अगर ये समझ आया तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके आगे सिर्फ हमें सॉल्व करना है, और अगर सॉल्यूशन में आपको दिक्कत आ रही है इसका मतलब कहीं पीछे का कुछ छूटा हुआ है, जैसे कि इंटीग्रेशन। अब यहां पर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, स्पेस कम है इसलिए ऊपर रब कर रहा। सो डी एम एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 10, डीएम की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2x प्लस 5 dx, और साथ में एक x और है, सो उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं x और dx। अपॉन में आएगा 0 to 10 2x प्लस 5 dx, देखते हैं
कितना आता है सेंटर ऑफ मास इसका. सो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 टू 10 2x स्क्वायर प्लस 5x dx. नीचे कितना आएगा, 0 टू 10 2x प्लस 5 dx. चलो इसका इंटीग्रेशन अगर किया जाए सो 2 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाय 3, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, प्लस 5x, 5 कांस्टेंट है, x के पावर 1 का होता है x के पावर 1 प्लस 1 यानी कि x स्क्वायर बाय 2. लिमिट लगाए तो लिमिट हमारी कितनी आएगी, 0 टू 10 अपॉन में यही चीज करेंगे. सो 2x का क्या हो जाएगा, 2 x के पावर 1 है सो x के पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 5 का हो जाएगा 5x, 0 टू 10, 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा यानी नीचे आया x स्क्वायर प्लस 5x और ऊपर आया 2x क्यूब बाय 3 प्लस 5x स्क्वायर बाय 2. आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा. अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा. सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यही है हमारा तरीका. तो x में पहले 10 को पुट करेंगे, सो जब 10 को पुट करेंगे तो कितना आएगा, 10 टेन 100 टेन 1000 और 1000 इंटू 2 यानी कि 2000. सो 2000 बाई 3 प्लस 5, 10 टेन 100 यानी कि 500 बाई 2, ये है हमारी अपर लिमिट. लोअर लिमिट आ जाएगी 0 क्योंकि x है, x जहां भी पुट होगा 0 आ जाएगा. अब लोअर नीचे को सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x, सो x की जगह पे 10 पुट होगा सो x स्क्वायर 10 टेन 100 प्लस 5x, 5 टेन 50, ये हो गया अपर लिमिट. और जब लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0. यहां से मिलेगा क्या, 2000 बाई 3 प्लस 500 बाई 2 अपॉन 150. सो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 4000 प्लस 1500 बाई, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा यानी कि 150 इंटू 6. मीटर के करीब, यानी कि इस रॉड में जो 10 मीटर लंबी रॉड हमको ये दिख रही थी, इसमें हमें कहां फोर्स लगाना पड़ेगा, सेंटर से 1 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 6.1. अगर हम लोग यहां पर फोर्स लगाएंगे, अगर ये रॉड स्पेस में रखी और अगर यहां पर पुश लगाया जाए तो पूरी की पूरी रॉड सीधी जाएगी. सो यही कॉन्सेप्ट हमारा किसी भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है. ये रॉड को लेके मैंने एग्जांपल करवाया है और कोशिश है कि आगे और भी एग्जांपल्स को देखेंगे. और जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन, और जिसका सॉल्यूशन है वो कमेंट जरूर करना, और जिनको ना समझ आए वो भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. मैंने अगला क्वेश्चन दिया कि ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक रॉड रखा है जिसकी लेंथ है ओनली 4 मीटर. 4 मीटर है लेंथ, लेकिन वो रॉड कहां पर है, वो उस रॉड का एक एंड है 2 पे. रॉड की पूरी लेंथ 4 मीटर है, एक एंड 2 पे है तो दूसरा एंड कहां पर होगा, 6 पे होगा, 6 मीटर पे. और इसका जो लैम्डा है हमारा, लैम्डा दिया गया है सिंपली 4x, ये मैंने लैम्डा दे दिया, या फिर 6x, ये लैम्डा है. अब आपको बताना है कि अगर ये लैम्डा है 6x किलोग्राम पर मीटर तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा. ठीक है, सो इसको अटेम्प्ट करो, अगर आपका आंसर आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो उसको जरूर पूछना. और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना. अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.